हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प मिलेगी। जब प्री बोर्ड्स या बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स पेपर के पहले काफ़ी कम दिन होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तब इस वीडियोज़ को आप देख के इमीडिएटली आपका पूरा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी रिवाइज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज़ पार्ट 6 of 14। तो इस पूरे चैप्टर में 14 वीडियोज़ हैं और ये 6th वीडियो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि इस वीडियो को देखने से पहले आपने फर्स्ट 5 वीडियोस नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हम एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट सेशन में सेशन 5 of 14 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4th कम्प्लीटली सॉल्व किया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट वाई इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर x+4 का क्यूब इंटू x+5 to the power 4। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल है, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसका बेसिक फंडामेंटल है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x+3 का स्क्वायर इंटू x+4 raised to power cube x+5 raised to power 4। तो आप ये इंडिविजुअली लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ x+3 square प्लस लॉग ऑफ x+4 cube प्लस लॉग ऑफ x+5 raised to power 4। तो ये पावर्स में चले जाएंगे, लॉग y इज 2 log x+3 प्लस 3 log x+4 प्लस 4 log x+5। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d/dx ऑफ log y इज d/dx ऑफ 2 log x+3 प्लस d/dx ऑफ 3 log x+4 प्लस d/dx ऑफ 4 log x+5। जो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx, 2 कांस्टेंट आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x+3। देन फर्दर लॉग x+3 का जो होगा दैट इज 1+0, तो हो जाएगा 3/x+4 और इसका फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा 1+0। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज 4/x+5 और इसका जो नेक्स्ट दैट इज 1+0। तो आप देख सकते हैं dy/dx इज x+3 का होल स्क्वायर x+4 cube x+5 to the power 4 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज y इज इक्वल टू x+1/x होल रेज टू पावर x प्लस 1/x। तो आप इसमें एजम्पशन ले सकते हैं लेट u इज इक्वल टू x+1/x होल रेज टू पावर x, v इज इक्वल टू x raised to power 1 plus 1 by x। तो देयरफॉर y इज u प्लस v। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज du/dx प्लस dv/dx। सो नाउ u is x plus 1/x raised to power x।
taking log on both sides. जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log u is equal to log of x plus 1 by x raised to power x. तो log u is equal to x log x plus 1 by x. So differentiate with respect to x. ये हो जाएगा d by dx of log u is equal to d by dx of x log x plus 1 by x. तो ये 1 by u du by dx. First function differentiation of second plus second function differentiation of first. तो जगह 1 by u du by dx is equal to x into 1 upon x plus 1 by x into d by dx of x plus 1 by x. तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, log of x plus 1 by x. तो आप LCM ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by u du by dx is equal to x square upon x square plus 1 और इसका differentiation 1 minus 1 by x square plus log of x plus 1 by x. फिर आप u को साइड चेंज कर दीजिए, दैट इज du by dx इज इक्वल टू u और जो आपका ये टर्म आएगा x square का LCM ले लीजिए, तो x square कट जाएगा, दैट इज x square minus 1 upon x square plus 1 plus log of x plus 1 by x. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं. नाउ माय v इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x 1 प्लस 1 बाय, तो x 1 प्लस 1 बाय x, 1 प्लस 1 बाय x आप फॉरवर्ड ले लीजिए, log x. सो ऑन डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा d ओवर dx ऑफ log v इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 1 प्लस 1 बाय x इंटू log x. जगह 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट. तो जाएगा 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, हो जाएगा 0 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो dv by dx क्या हो जाएगा, x 1 plus 1 by x, तो x plus 1 upon x square minus log x upon x square. आपने ये जो v मल्टीप्लाई किया पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 3. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ du by dx एंड dv by dx from equation 2 and equation 3 in equation 1. तो आप लिख सकते हैं dy by dx, du by dx की जो वैल्यू होगी that is x plus 1 by x raised to power x, x square minus 1 upon x square plus 1 plus log of x plus 1 by x. और सिमिलरली जो v की वैल्यू होगी दैट इज x 1 प्लस 1 बाय x, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा. तो ये चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट y इज इक्वल टू log x
होल रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग अच्छा पहले आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स होल रेज टू पावर एक्स, लेट v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू u प्लस v। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। नाउ यू इज लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स फॉरवर्ड आ जाएगा, log u is x log log x। On differentiating both sides with respect to x, ये जगह d over dx of log u is equal to d over dx of x log of log x, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स एक्स, इसमें लगेगा चेन रूल, इसमें यदि लॉग एक्स होता तो सिंपली 1 बाई एक्स होता, बट दिस इज योर कल्प्रिट, तो इसका डेरिवेटिव ऑफ इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज 1 by log x into d by dx of log x plus log of log x। तो आप साइड चेंज कर दीजिए, du by dx is equal to u is log x whole raised to power x, और इसका जो हो जाएगा that is x by log x into 1 by x plus log of log x, x कट गया and this is your own part, you take it as equation 2। Next आपको dv by dx निकालना है, तो आप कह सकते हैं as v is equal to x raised to power log x, taking log on both sides, तो log v is equal to log of x log x, तो हो जाएगा log v is equal to log x into log x, तो basically log v is log x का square। On differentiating both sides with respect to x, so d over dx of log v is equal to d over dx of log x का whole square, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 2 लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आ गया। तो बेसिकली डी वी बाई डी एक्स क्या जाएगा, v इंटू 2 लॉग एक्स बाय एक्स, तो आप v की वैल्यू रख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स दैट इज एक्स लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, डी वाई बाई डी एक्स इज डी यू बाई डी एक्स क्या वैल्यू रख दीजिए, दैट इज लॉग एक्स होल रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 by log x plus log of log x, और v की वैल्यू रख दीजिए दैट इज प्लस
x log x 2 log x upon x. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वली लेंथी. y इज इक्वल टू x sin x होल रेज टू पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x. तो इसमें भी आप जो पार्ट करेंगे लेट y u इज इक्वल टू sin x होल रेज टू पावर x v इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट x. Therefore, y is equal to u plus v. So, on differentiating both sides with respect to x, so dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. So, now your u is sin x whole raised to power x, taking log on both sides. जब आप दोनों तरफ log ले लेंगे तो log u is equal to log of sin x whole raised to power x. तो ये जगह log u is equal to x log sin x. Differentiate both sides with respect to x. तो आप differentiate करेंगे तो d by dx of log u is equal to d by dx of x log sin x. ये हो जाएगा 1 by u du by dx is equal to, इसमें product रूल लगेगा, first function differentiation of second plus second differentiation of first. ये हो जाएगा 1 by u du by dx, ये हो जाएगा x into log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by sin x into d by dx of sin x. सिमिलरली इसका हो जाएगा log sin x into 1. तो 1 by u du by dx इसका हो जाएगा x cot x plus log sin x. तो u आप ट्रांसफर कर दीजिए, du by dx is equal to sin x whole raised to power x, this is x cot x plus log sin x. इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए. अब आप मूव करिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए, दैट इज sin इनवर्स रूट x. तो इसके लिए आप कर सकते हैं लेट v इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट x. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So dv by dx is d over dx of sin inverse root x. Sin inverse का हो जाता है 1 upon root over 1 minus x square into d over dx of root x. So dv by dx is 1 upon root over 1 minus x और root x का हो जाएगा 1 by 2. This is your third. Substituting values of du by dx and dv by dx in equation 1. So dy by dx is what? Du by dx आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल टू x sin x प्लस sin x एस टू पावर cos x. तो लेट y इज इक्वल u इज इक्वल टू x sin x, y इज इक्वल टू sin x होल रेज टू पावर cos x. दिस यू टेक v
Therefore, y is equal to u plus v. So on differentiating both sides with respect to x, that is dy by dx is du by dx plus dv by dx. Now u is x sin x, taking log on both sides. जब आप लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स. तो साइन एक्स आप फॉरवर्ड ले लीजिए, दैट इज लॉग यू इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so t over dx of log u is equal to d over dx of sin x log x. So 1 by u du by dx is equal to first function derivative of second plus second derivative of first. So 1 by u du by dx is equal to sin x अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स. तो साइड चेंज कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स. लेट नाउ बी इज इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे ये हो जाएगा लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स. तो लॉग बी इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स. तो आप एक फंक्शन इसमें आप प्रोडक्ट टू लगा सकते हैं, दिस विल बी अ वन फंक्शन, दिस विल बी अर अनदर फंक्शन. सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, there d over dx of log v is equal to d over dx of cos x log sin x. So 1 by v dv by dx is equal to first function differentiation of second plus second differentiation of first. Here 1 by v dv by dx is equal to cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 by sin x into d by dx of sin x plus log sin x into minus sin x. तो dv by dx is इसका हो जाएगा cos x और v ट्रांसफर कर दीजिए आप बेसिकली, और v is ये हो जाएगा cos x cot x minus sin x log sin x. ये दोनों वैल्यूज को सेकेंड और थर्ड को आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ du by dx एंड dv by dx फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन 1. dy by dx is du by dx क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो du by dx कितना है u, u की जो वैल्यू है दैट इज x sin x, x sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x अपॉन x प्लस log x cos x, means cos x into log x, log x into cos x plus v, dv by dx की जो वैल्यू है, और v आपका है sin x raised to power cos x.
cos x cot x minus sin x log sin x. ये आपका आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x cot x v रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x square minus 1. So on differentiating both sides with respect to x, तो आप ले सकते हैं y is equal to u plus v, therefore dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Now u is equal to x raised to power x cos x, taking log on both sides. Log u is equal to log of x raised to power x cos x. तो जगह log u is equal to x cos x log x. अब इसमें जब तीन फंक्शंस आ गए तो आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए दो फंक्शंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो आप इसमें कर सकते हैं डिफरेंट ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to x I get d by dx of log u is equal to d by dx of x cos x log x. तो इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 by u du by dx is equal to first function that is x cos x d by dx of log x plus log x d by dx of x cos x. तो इस x cos x के लिए आप फिर से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो log x हो जाएगा x cos x into 1 by x plus log x, और इसके लिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो जाएगा 1 by u du by dx is cos x plus log x, this is minus x sin x plus cos x. तो u को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, du by dx is equal to x raised to power x cos x, this is cos x minus x sin x log x plus cos x log x. Now v is x square plus 1 upon x square minus 1. So differentiate both sides with respect to x. ये जाएगा dv by dx is v du by dx minus u dv by dx अपॉन वी स्क्वायर। सो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो डी वी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है दैट इज टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, दिस इज अ थर्ड। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री इंटू इक्वेशन वन, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। यह डी वाई बाई डी एक्स इज, तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लेंगे dy by dx का, तो du by dx की वैल्यू आप रख दीजिए
एक्स रेस्ट पावर एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, दिस इज आंसर। सो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक करेंगे। टिल दैट टाइम आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।